दोस्तों फिर से आ गए आपके सामने। बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये सुबह हम देहरादून रायपुर इलाके में आए हुए हैं अभी, और यहाँ पे हम एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना। हम सिटी एरिया से काफ़ी अंदर आ गए हैं रायपुर एरिया में, और इधर साइकिलिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है। दिस इज़ अ रोड ट्रैक फॉर साइकिलिंग। यहाँ पे आप आके साइकिलिंग कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। काफ़ी 9-10 किलोमीटर का काफ़ी अच्छा ट्रैक है, एंड नॉट ओनली 9-10 बट आप 30-40 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग और साइकिलिंग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। पैदल यात्रा हो या पैदल ट्रैकिंग हो या आप साइकिलिंग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें नेचर के सब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलेंगे आपको। वो देखो सामने, पहले मेरे शॉर्ट वीडियोस में आपको दिखेंगे ये जो नदी जा रही है इधर, ये सहस्त्रधारा से होते हुए। तो इस नदी को हमने अच्छे से दिखाया अपने शॉर्ट वीडियोस में। आप मेरे चैनल में शॉर्ट वीडियोस में लिंक्स देख सकते हैं रिलेटेड टू रिवर। तो ये वही नदी है। तो दोस्तों आज हम थोड़ा आगे जाएंगे इधर से, एंड आपको इसके इस एरिया के बारे में बताते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी जो साइकिलिंग करने वाले जो साथ में कंपनी है वो आ रही है पीछे से। तो अभी हम चलते हैं, वी विल गो अहेड एंड मीट यू अगेन। बहुत अच्छा सुनहरा मौसम है आज। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम आज आपको
नेचर की कुछ और खूबसूरती दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से पानी ऊपर से नीचे आती है, और ये खूबसूरती बारीकियों को जानने के लिए पहाड़ में आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लान करिए, पहाड़ पे आइए कभी, ये सारी खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी। ग्रीनरी यू हैव, रिवर्स यू हैव, जंगल यू हैव, सो ब्यूटीफुल सराउंडिंग अराउंड। See this, what a beautiful weather. So, दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा ढलान कम है जिस वजह से यहाँ पे अच्छा लगेगा। साइकिलिंग में इतना एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे, बट यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस रोड। वाओ, जस्ट लव्ड इट, आई लव्ड इट। वाह, ट्रीज एंड एक ही जैसे पेड़ दोनों साइड आपको दिखेंगे। वाह, आइए एंजॉय करिए इस जगह का। तो गाइस हम पहुंच गए अच्छी हाइट पे, जहाँ पे एक गांव या एक गांव एरिया है। ये नीचे देख सकते हैं आप, ये गांव है। वाओ, ये नदी आपको ये दिखेगी यहाँ से, यू विल सी। बने रहिए ऐसे ब्यूटीफुल हिडन साइकिलिंग ट्रैक्स हम आपको दिखाते रहेंगे, बी विद मी। तो दोस्तों ये बछेत है ये जगह, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है, स्थल बछेत एंड टंकी के ऊपर। तो ये कोई बिल्डिंग लग रही है मुझे गवर्नमेंट की, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का है आगे। आई बिलीव जो गांव है बछेत गांव, वो थोड़ा आगे है। और ये देखते रहिए, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों अभी ये गांव वाले से मुझे पता चला, बछेत गांव के लोगों से, ये जो रोड है ये नाला पानी निकलेगा। ये देहरादून में नाला पानी एक लोकेशन है, बहुत ही फेमस है, जहाँ पे गोरखा की अंग्रेज़ों से लड़ाई भी थी। गोरखा में इस नेपाली लोग, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी अच्छी फाइट दी, चने चबा दिए थे उनको दांतों तले। सो दे आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर देयर ब्रेवरी, बट दे हैव सॉन ड्यूरिंग नाला पानी वॉर। सो ये जगह वहीं निकल रही है अभी, इट इज़ नियर, गोइंग नियर टू। हेलो, हाय, ये हम बछेत गांव है ना, ये बछेत गांव, ये आ गया नाला पानी का जंगल भाई, ये नाला पानी का जंगल है आगे। थोड़ा आगे तक चलते हैं, नहीं तो ढलान तो है ही, चढ़ाई तो चढ़नी नहीं है, इजिली पहुंच जाएंगे नीचे, है ना। वहां से, क्योंकि वहां से पता रोड के रास्ते जाना फायदा नहीं है, मतलब साइकिलिंग का मजा नहीं आएगा, फिर टी टी टू टू यही चलता रहेगा।
देखो धान कट गई। तो गाइस कैसा लग रहा है नई जगह आते हुए, हैं कैसा लग रहा है आपको नई जगह एक्सप्लोर करते हुए, नेचर एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारे चैनल को बिल्कुल सूट करता है। नाम भी नेचर एक्सप्लोर चैनल है, काम भी हमारा नेचर एक्सप्लोर करता है। तो विपुल कैसा फील हो रहा है भाई? ब्राउन मुंडे अंदर काफी अच्छी चढ़ाई है दोस्तों, जरूर आप माल देता होते हुए लेफ्ट टर्न लीजिएगा एंड देन यू विल सी दिस अमेजिंग प्लेस जहां पे प्रकृति अपनी कंप्लीट ब्यूटी दिखाते हुए, सारे एलिमेंट्स प्रकृति के यहाँ पे हैं और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू सी ऑल दिस लाइफ। आप इनके बैकग्राउंड इनके ब्लॉग में देख सकते हैं और इनका बैकग्राउंड इनके ब्लॉग में देख सकते हैं। हाँ, टू ब्लॉग्स पैरेलली रनिंग दोस्तों, वैम ब्लॉग्स और नेचर सवारी, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जितना कर सकते हो आप। हम जितना आप लाइक और शेयर करोगे, जितना आप अपना सपोर्ट करोगे, उतने हम ब्लॉग्स लेके आएंगे आपको और मोटिवेट होंगे कि नई नई चीजें, नई नई जगह एक्सप्लोर करें और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहें। सो सब्सक्राइब, लाइक
और बेल आइकन्स को तो दबा के रखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आ रही हैं इस चैनल से। तो कीप दिस इन माइंड, हम आपको ऐसी लोकेशन पे ले जा रहे हैं जहाँ पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में एक्चुअल लड़ाई हुई। यस, और गोरखाओं ने अपने पराक्रम से, अपनी ब्रेवरी से बहुत अच्छी फाइट दी थी। ऑल्दो अंग्रेज बहुत सारे थे इन संख्या, इन काउंट, तो इसलिए वो जीत गए। लेकिन जिस तरीके से गोरखाओं ने, औरतों ने, बच्चों ने और सभी ने अपना पराक्रम दिखाया, वो आज तक याद किया जाता है। इट हैज़ बिकम अ हिस्ट्री। और नाला पानी जगह है देहरादून में, यहाँ पे जरूर आइएगा। थोड़ा सा रोड ब्लॉक करते हुए हम लोग, ये देखिए किस तरीके से हमने रोड को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोग फोटो लेते हुए और हम भाई लोगों को कैप्चर करते हुए आपको दिखाएंगे हेलीकॉप्टर। ये देखिए भाई, गए हो आप? यार 6,500 रुपये होगा क्या पहुंचा? आना जाना 6,000 में नहीं हो पाएगा। नहीं दोस्तों, अभी बहुत टाइम के बाद हमें ढलान मिली है थोड़ा, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक हाथ से साइकिल चलाऊँ, एक हाथ से वीडियो कैप्चर करूँ। ये चीज़ आपको दिखानी जरूरी थी, ये ढलान, सुंदरता और ये जो रोड है बीचों बीच जंगल के, यहाँ जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए फिर से ढलान स्टार्ट हो गई है, स्टार्टेड अगेन। ये हमारे दूसरे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। की आरजू मुराद पूरी करते हुए रोडों पे जिगजैग साइकिल चलाते हुए हम भी इनको फॉलो कर रहे हैं अभी। देखिए वाव, देखिए दोस्तों ये जंगल में क्या मंगल है ये बताओ। यहाँ तक रोड बनी हुई है, इसका मतलब आगे कुछ जरूर है। नाला पानी तो है ही, बीच में और भी गांव है इधर। ये देखिए बियर पी के ऐसे रखी हुई है, कैसे लोग हैं, कितने कैसे लोग हैं बताओ। बोतल पी रहे हो तो यहाँ जंगलों में काहे फेंक रहे हो? अरे एक बार वहां पे ना अफ्रीका में क्या हुआ मुकेश भाई, जो हमारे साथ बंदा था ना गाइड, तो ऐसी पानी की बोतल थी प्लास्टिक की, है ना, तो स्वाजीलैंड के वहां गए थे हम कैनोपी करने, तो उसने देखा ये बंदा बोतल फेंक रहा नीचे। उसने बोला हे व्हाट आर यू डूइंग, ये क्राइम है भाई। हम यहाँ से आए थे और ये यहाँ पे टी पॉइंट पे मिले हैं। अब यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो पूछना नहीं है किसी से, नीचे ये रास्ता जाता है शहर की तरफ और ये ऊपर जाता है नाला पानी की तरफ,
तो आप ऊपर की तरफ चले जाना, वहाँ आपको नाला पानी 2 किलोमीटर की दूरी पे दिखेगा। ये देखिए ये हैंड पंप का पानी, वाह, ये जमीन से निकलता हुआ पानी है, इसकी प्योरिटी के सामने। बहुत बहुत घना है, अभी तुम वहाँ देखना नाला पानी में मजा आएगा, पर वहाँ टाइम ज़्यादा नहीं लगेंगे, देख के आ जाएंगे 5-10 मिनट। हाँ मैं इसी रोड से गया था यार, दूसरी तरफ से कोई रोड है वो देखना पड़ेगा, पर रोड तो एक ही थी वहाँ जाने की, तो आई बिलीव यही रोड होगी। हाँ ये देहरादून में जिया जी को पता है ना काफ़ी नॉलेज, तो वो लेके आते हैं उधर रोज। हाँ हाँ अरे मैं तो यहाँ अभी जैसे अभी आ गया ना, दिन में बच्चों को भी लेके आता हूँ पहाड़ों की तरफ, फिर वो खेलते हैं थोड़ा आधा घंटा ऐसी, कहते हैं मेरे को जाते ही खुद तो हो आए घूम के, हमें कौन घुमाएगा, अच्छा। गाड़ी चलानी आप ही को आती है, ऐसे बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गांव वालों ने यहाँ पे थोड़ा सा बगीचा है उनका, और यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हो सब्जियाँ, प्लांट्स अलग अलग प्रकार के, और ये बहुत ही अच्छा लगता है इसे। तो आप लोग भी इधर आए तो ये बगीचा बिल्कुल देख के जाइएगा छोड़ना नहीं है बगीचा, ये बगीचा बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुशील है। ये देखो हमारे वैम ब्लॉग्स के एडिटर इन चीफ मिस्टर वैम, लेट्स गो, लेट्स मूव, लेट्स गो। अभी तो तुम वहां से यहाँ आए बैठे चलो चलो वी वहां पे भी लगेगा टाइम, लेट्स मूव गाइस। चलो आज का ब्लॉग काफी उत्साहित करने वाला है जनता को, और जनता से उम्मीद है कि हमें लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि जनता हम कभी ये नहीं बोलते हैं अपने ब्लॉग डालने के बाद कि आप सब्सक्राइब करो लाइक करो या वो करो बाकी ब्लॉगर्स के जैसे। तो 15-20 मिनट साइकिल को देखते हुए बोला है आंटी ने, वैसे अगर कार होती तो 2 किलोमीटर 5 मिनट कवर हो जाता है, यहाँ पे टाइम लिया उन्होंने, देखा साइकिल्स वाले हैं। तो ये स्थल ओली है दोस्तों, एक ओली है जो पहाड़ में है उधर, जहाँ पे जो मतलब स्विट्जरलैंड है इधर का, उत्तराखंड का। चलो ढलान आ गई है, ढलान में दोस्तों शायद वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे गिरने के बहुत अधिकतम चांसेस हो जाते हैं देखिए लेकिन लगे हैं। तो दोस्तों इस बार जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, उम्मीद है करेंगे आप, उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हम आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर पे टिके हैं। तो ऐसे फनी फनी कमेंट्री तो नहीं बोलूँगा, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्योंकि ब्लॉगिंग आती नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ मेरा शुरू से ही मैं वीडियो काफ़ी लेता हूँ, तो मैं अपने वीडियोज़ वगैरह डालते रहूँगा इस तरीके से। अभी मैं ऑफ जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को थोड़ा बंद करूँगा, बहुत अच्छी ढलान है और एक हाथ से साइकिल चलाना विद वीडियोग्राफी रिस्की, फिर भी करते रहेंगे, विल कीप ऑन ट्राइंग एंड गिव आवर बेस्ट, ठीक है। दोस्तों जैसी वीडियो बंद किया वैसे ही मेरी ढलान भी बंद हो गई और अब मुझे चढ़ाई फिर से चलना पड़ रहा है, देखिए लगी पड़ी है, क्या करें फिर भी लगे हैं, नाला पानी तो पहुंचना ही है, 12 बजे घर भी पहुंचना है, कुछ काम है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10 बजे सुबह का एंड आई थिंक हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे नाला पानी घूमने का और व्लॉगिंग करने का एंड अपने घर के काम भी पूरे करने का। तो देखिए बहुत ही अच्छी लोकेशन, मन में आया ऑफ रोडिंग की जाए रास्ते को शॉर्ट करते हुए, तो गाइस आर फुली चार्ज,
अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ये ढक 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 आवाज आएगी बहुत। ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया ऑफ रोडिंग। ये देखिए दोस्तों ऑफ रोडिंग हुई है। वी आर हाफवे। ट्रैफिक जाम काहे कर दी हो ब्लॉगर्स को तुमने। भाई ऐसे भी ब्लॉगर हैं जो घास में पैर यूं घिसते हैं और 11 मिनट में इतने लाखों व्यू आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये देखिए कंधे पे साइकिल लेके आ रहे हैं। सो आई हैव टू डू द सेम, इसीलिए मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ वीडियो। ये हम नाला पानी पहुँच गए हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड। ये बुद्धा टेम्पल है इधर, ये देखिए दोस्तों। आज हम ऊपर नहीं जा पाए बिकॉज कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है तो हमें निकलना पड़ रहा है घर को। बुद्धा टेम्पल है यहाँ पे, कम्युनिटी सेटअप है आज हम वहाँ नहीं ले जा पाए आपको जहाँ पे ले जाना चाहते थे बिकॉज वो थोड़ा ऊपर है एंड वी हैव सम टाइम लिमिटेशन। वी हैव टू गो बैक टू अवर होम बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट रिक्वायरमेंट। सो वी कम हियर अगेन एंड वील गो एट टू मीट आवर एक्चुअल टारगेट जो नाला पानी का जो मंदिर है वहाँ पे। एंड जो मंदिर एक स्तंभ है एक्चुअली मेमोरियल जो सेटअप किया गया है यहाँ पे फॉर द ब्रेवरी दैट हैज बीन शोन ड्यूरिंग दैट नाला पानी वॉर इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम व्हेन ब्रिटिश वाज रूलिंग आवर इंडिया एंड देहरादून एज वी नो द हिस्ट्री ऑफ देहरादून। यहाँ पे काफ़ी गोरखाज एंड वी हैड नेपालीज, सो वो लोग यहाँ पे रहते थे एंड दे डिडंट गिव अप। दे फॉट विद द ब्रेवरी। इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थी, बूढ़े माँ बाप सब लगे हुए थे एंड देवर फाइटिंग ऑल टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड लॉट ऑफ हैवी डैमेज दैट वॉज हैपन्ड नॉट ओनली विद द गोरखाज बट विद द ब्रिटिशर्स एज वेल। तो दोस्तों इसी के साथ आई थिंक अभी हम जा रहे हैं वापस घर एंड आई कम बैक हियर अगेन एंड विल गो अप टिल दैट प्लेस एंड विल शो यू द मेमोरियल दैट हैज बीन सेट अप। आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और लाइक अदर्स प्लीज़ शो योर सपोर्ट टू अस। विल कीप गिविंग यू सच ब्लॉग्स थ्रू अवर चैनल्स। आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नाउ काफ़ी ढलान है तो आई एम लॉगिंग ऑफ। देखो दोस्तों इसके बारे में पता चला है मुझे कि ये काफ़ी पुराना ब्रिज ये दो पेड़ है भैया, दो नहीं तीन है ये, है ना? तीन चार पेड़ है एक ही जगह पे। तो
तन्ने कभी आया नहीं था तुमने रखे इधर बरगद का पेड़ कर कर तू हां कर कर आता सेकेंडरी रूट पर तू जा रहा है देहरादून में रह लिया देहरादून में रह लिया दिल्ली से देहरादून जा रहा है रोडवेज में हां गाइस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं विद इन 15 मिनट्स ये सिटी के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहां से हम निकलेंगे अपने घर को सो ये देख सकते हैं आप दिस इज सिटी एरिया और अभी जा रहे हैं काफी दूर है अभी 10 मिनट्स अभी बट वी आर ऑन द वे तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू सी ये नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको पूरा नाला पानी मंदिर है ये हम पानी पी रहे हैं यहाँ पे वाटर ठीक है गाइस फिर नेक्स्ट टाइम विल प्लान वो कहता नहीं एक्वाफिना दीजिएगा कह रहा है कहाँ एक्वाफिना में बिस्लरी है कौवा बिरयानी खिला दिया एक एक इसका वीडियो भी आया भैया वो ना यूपी में 20 रुपए की बिरयानी खिला रहा था वो उसके बगल में पांच की दुकान आप देख रहे ढूंढना मिल जाएगा आपको वो कहता अरे तुम्हें सुनिएगा 20 रुपए में बिरयानी मिल रहा है यार